तो ये देखो, काम म्यूजिक तो कौन सा वाला है? कौन सा? काम क्वाइट म्यूजिक, एकदम मदमस्त करने वाला म्यूजिक। कौन सा वाला? ऐसे, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना। मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे गाने सुनने चाहिए। ये मत सुनना, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, भाई ये ऐसे गाने आपको तकलीफ देंगे। या बेखयाली, नो, शार्प गाने मत सुनो, रिलैक्स करने वाले गाने सुनो, प्यारे गाने सुनो, ऐसे गाने मत सुनो, है ना, वो वाला सारी उम्र हम, नो, टॉर्चर करने वाले गाने मत सुनो, प्यार वाले गाने सुनो, अच्छे गाने सुनो, जो आपको मतलब वो कौन सा वाला, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, हो, जो मतलब अगर माइंड को रिलैक्स करे, समझ रहे हो, अच्छे अच्छे गाने, खूबसूरत गाने, ऐसे नहीं ये गाना आप परेशान हो रहे हो, परेशान होते होते कौन सा गाना लगाया तुमने, ये वाला, कौन सा वाला, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी। अरे भाई साहब, आगे तो तुम दिमाग की दही करके बैठे हो, ऊपर से तुम गाना ये लगा लिए हो तुम। तो अरिजीत सिंह के गाने सुनो, बट टॉर्चर वाले गाने नहीं सुनना, ये हार्ट ब्रेक वाले गाने नहीं सुनने, बहुत सिंपल गाने सुनने, जो आपको माइंड को रिलैक्स करें, एकदम बहुत अच्छा महसूस हो, जिसमें पुराने गाने वाकई में बहुत अगर आपको पुराने गाने नए वर्जन में सुनने हैं तो सनम के गाने सुन सकते हो, बहुत अच्छा गाता है वो, है ना, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, समझ लो, सो रिलैक्स करने वाले गाने, मेरे आ, चना मेरे आ। दर्शन रावल के गाने के प्रॉब्लम क्या है ना, वो थोड़े सैडी गाने गाता है, सो बिल्कुल, और वो ऐसे मतलब सैडी गाने, अब जैसे कुछ गाने ऐसे, कई लोग गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों, ये गाने नहीं सुनने, कौन गया कौन आ तुम्हारी जिंदगी में, ये गाने ऐसे नहीं सुनने, प्यारे गाने सुनने, दुलारे गाने सुनने, समझ आ रहा है, जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे गाने सुनने, ऐसे नहीं कैरी मिनाटी का गाना है, कौन सा वाला, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, फेल होने के बाद क्या सुनाओगे तुम तो प्यारे गाने सुनाओ, अच्छे गाने सुनाओ, जो ब्यूटीफुल गाने सुनने की, मतलब जो अच्छे अच्छे, समझ में आ रहा है, कई लोग तो वो गाना भी चलता, ही हाँ जिदे रिंकिया के पापा नहीं, टोनी कक्कर, ओकर काकर, टोनी कक्कर का है तो गाने बनाता है, समझ ही नहीं आता उसके गाने के चक्कर।